गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है एक प्रोडक्ट रिव्यू होने वाला है। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ अपना विको टर्मरिक क्रीम का रिव्यू शेयर किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उसको जरूर चेकआउट कीजिए और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करती हूँ आज के टॉपिक की। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यू लेकर के आए वो है लैक्मे 925 सीसी क्रीम। जी हाँ दोस्तों, मैं इस क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाले हैं जिसे मैं करीब 2 महीने से ट्राई कर रही थी और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये ट्रायल फ्रेंडली में पैक है। जी हाँ, ये इसका छोटा पैक है और ये इसके 2 पैकिंग आते हैं। ये छोटा है जो मैंने जैसे भी आपको बताया। इसमें जो क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 9 ग्राम का है। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो ये 9 ग्राम ही है। और प्राइस की बात करूँ तो ये 99 रुपीज़ का है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो बड़ी पैकेजिंग जैसे है तो वो आती है करीब 250 रुपये की। 30 ग्राम होता है शायद, जी हाँ, 30 ग्राम के आसपास होता है। और इसकी पैकेजिंग वो 200 या 250 के आसपास होता है। तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने ऑनलाइन देखा था कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं जैसे इसकी पैकेजिंग की, तो ये है, ये ऑल स्किन टाइप है। जी हाँ, इस पर ऑलरेडी मेंशन है इसमें SPF 30 है। ये क्या क्या क्लेम करता है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ब्राइटनेस ला के देगा, आपकी स्किन टोन को इवन बनाएगा, फ्रेशनेस ला के देगा, साथ में जितने भी स्पॉट्स हैं उनको कंसील करेगा, ऐसा क्लेम करती है। मैं आगे आपको बताऊँगी ऐसा है भी कि नहीं। तो बात ये इंस्टेंट स्टाइलिश लुक आपके फेस पर ला करके देगा, तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। जी हाँ, अब बात करते हैं अंदर की, तो ये दिखती कैसी है मैं आपको उसे खोल करके भी दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, आप कलर देख सकते हैं। इसका रोज गोल्ड कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। बात करो तो बहुत ही प्यारा कलर है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। तो ये इस तरीके के ट्यूब में आता है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। जैसे मैंने कहा है कि हम लोगों की लड़की में क्या रहती है, बैग में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डालने, हम बाहर जाते टचअप करने के रखते, तो आप इसे ऑलरेडी अपने बैग में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं आपको इसे खोल करके भी दिखाती हूँ ये दिखती कैसे है। तो अंदर से मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाती हूँ अपने हाथ पे निकाल करके। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, मेरा शेड 03 है। जी हाँ, तो मेरा जो शेड है वो 03 है, ब्रॉन्ज है। ये बहुत ही इजी मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है और ये आपके जेब पे भी भारी पड़ने वाली नहीं, बहुत ही सस्ती है। आप जैसे देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो आपको इसके बाहर जो पैकेजिंग है उस पर आपको मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सपायरी शेल्फ लाइफ जो है इसकी 3 साल है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके बिल्कुल पैक करने की जरूरत नहीं कि एक्सपायर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल है, आपके आराम से चलेगी। क्वांटिटी भी अगर बात करूँ प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं 100 रुपये में आपको क्या मिलेगा, सीसी क्रीम मिल रही है, वो भी इतना बड़ा ट्यूब मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मैं बात कर रही थी इसके, मैंने अपने ऐसे हथेली पे निकाला है, अब मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेक्स्चर की, तो मैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका जो टेक्स्चर है, बहुत ही क्रीमी है। और मैं अपने हाथ पे आपको लगा करके दिखा रही हूँ, तो ये इजी ब्लेंड हो जा रहा है। तो मैंने फिलहाल तो मॉइस्चराइजर लगाया है तो ये इजी ब्लेंड हो जा रहा है। तो शायद थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़े अगर आप विदाउट मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करते हो। ऑब्वियसली विंटर है तो स्किन ड्राई होती है, तो आपको बिना मॉइस्चराइजर के तो आप कुछ भी प्लेस पे अप्लाई नहीं करते। तो मॉइस्चराइजर लगा करके अपने घर से अप्लाई करते हो तो इजी ब्लेंड हो जाएगा, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी टेक्स्चर की बात। अब मैं आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसे करीब 2 महीने से लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। जी हाँ, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वैसा देती है। आप ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देती, मैं आपको पहले बता दूँ, ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज, मतलब एवरेज कवरेज आपको देती है। आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाती है, फ्रेश लुक ला करके देती है। आपके जो डार्क सर्कल हैं या जो ब्लेमिशेस हैं, लाइट स्पॉट जिसे बोलूँगी, स्कार से उसको हल्का मतलब हाइड करती है। तो मैं ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगर मैं बात करूँ बजट के हिसाब से भी तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो मॉर्निंग में, या ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो या स्कूल में जाने, आजकल तो वो लड़कियाँ भी क्रीम लगाती हैं, तो है, अगर आप ऐसा कुछ लगाना चाहते हो कि मतलब इंस्टेंट आप टाइम नहीं है या इतना कौन मेकअप करे, कंसीलर फाउंडेशन लगाए, तो कुछ ऐसा चाहते हो जो इंस्टेंट आपके फेस को ग्लो ला करके दे, साथ में आपके स्पॉट्स को भी कवर करे, तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इंस्टेंट आपके फेस को ग्लो ला करके देगी, स्पॉट्स को भी रिमूव कर देगी, साथ में डार्क सर्कल को भी रिमूव करेगी और ऐसा क्रीम भी करती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। अभी मैं आपको इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका डेमो आपको दूंगी। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसे अगर अक्सर मैं अपने वीडियो भी शूट करती हूँ तो इसे लगा के करती हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इजिली ब्लेंड हो जाती है। यह ऑल स्किन टाइप से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है
नॉर्मल है कॉम्बिनेशन, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। बात करूँ तो ड्राई स्किन वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्वियसली विंटर में सबकी स्किन जो होती है वो ड्राई बिहेव करती है, तो अगर आप मॉइस्चराइजर लगा करके इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने अभी बॉडी लोशन लगाया था तो मेरे हाथ पे थी वो इजली ब्लेंड हो गई, तो आप अगर इसमें मॉइस्चराइजर ऐड करके लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको कवरेज देगी, साथ में बहुत ही स्मूथ लुक देगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने फेस पर लगाया भी है ऑलरेडी, मेरे फेस को कितना अच्छा ये स्मूथ एंड ग्लोइंग लुक दे रही है, तो बहुत ही अच्छा इसका कवरेज है। मैंने कहा जैसे ऑल स्किन टाइप से या समर में तो बहुत ही अच्छा आपके फ्रेश को एकदम मैट लुक देगी, स्पेशली ऑयली स्किन, क्योंकि इनके जो ऑयली स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो बार बार टचअप की जरूरत पड़ती है, तो ये उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसको लगाने के बाद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो ये मेरे हिसाब से ये अगर आपकी शादी हुई है और आप मतलब शादी होने वाली है तो आप इसे अपनी ब्यूटी किट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर में होता है कि शादी के बाद कोई ना कोई गेस्ट मिलने आते हैं, कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने किट में से ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं होता अक्सर कुछ भी करने का, तो आप इसे अपने ब्यूटी किट में ज़रूर रखिए और इसे लगाइए, उससे बिल्कुल नेचुरल ग्लो मिलेगा आपको। तो ये बात थी इसकी खूबियों के बारे में, अब मैं आपको इसे लगा करके अपने फेस पर दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे अपने फिंगर पे लेना है और मैं आपको अपने फेस से हाफ साइड पे लगा कर दिखाऊंगी ताकि आपको उसका इफेक्ट समझ में आ सके। तो मैं आपको इसको डॉट डॉट में अप्लाई कर रही हूँ और हम क्या करेंगे इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पे कोई ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश कुछ भी नहीं, अपने हाथों से नॉर्मल फिंगर से इसे ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितनी इजी मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है। मैंने कोई काजल मस्कारा कुछ भी नहीं लगाया, मैंने अभी भी इससे पहले भी सीसी क्रीम ही अप्लाई की थी और मैं फिंगर को डैप करते हुए लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी इजीली मेरे स्किन में ये अब्सॉर्ब हो गई, मुझे कोई खास इफेक्ट नहीं करना पड़ा, कोई कंसीलर का यूज मैंने नहीं किया है और मेरे फेस को कितना इंस्टेंट ग्लो ये ला करके दे रही है। और अब इंस्टेंट देख सकते हैं मेरे फेस के टाइम इस साइड कितना ग्लो आ रहा है, इधर बिल्कुल नॉर्मल क्योंकि मैंने कुछ हाइलाइटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, ये बहुत इजी मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, मुझे ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ किया करती थी और आपको देख सकते हैं कितनी इजी मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरे फेस बिल्कुल फ्रेश ग्लो आ रहा है, मुझे ये क्रीम बहुत ही पसंद है। और आई थिंक अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई करके देखिए, इसका ट्रायल पैक भी आता है, जैसे मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसका ट्रायल पैक ही लेकर के आई थी क्योंकि मुझे हमेशा इसे अपने पर्स में कैरी करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है पर्स में रखने के लिए। तो दोस्तों मैं ख्याल से आपको ये क्रीम ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं सिर्फ 5 में से 4 या 4.5 रेटिंग दूंगी। जी हाँ, मुझे ये क्रीम बहुत ही पसंद है, आप ही ज़रूर से ट्राई करिए, आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।